नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 और 8 नवंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं यश में। घरों की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। 7 नवंबर की बात करें तो दोस्तों इस दिन रविवार का दिन रहेगा। शुक्र पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन ज्येष्ठा नाम का नक्षत्र रहेगा। वहीं दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो तिगंड नाम का शुभ योग और शुक्रमा नाम का शुभ योग रहेगा। और राहु काल का समय दिन शाम के 4:18 से लेकर शाम के 5:41 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे आप यह राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। और दोस्तों चंद्रमा दिन वृश्चिक राशि को उपरांत धनु राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों अगले दिन की बात करें अर्थात 8 नवंबर की तो दोस्तों दिन सोमवार का दिन होगा, भगवान भोलेनाथ का दिन होगा। दिन बहुत ही शुभ है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भी रहेगी और मूल नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। जी दोस्तों, और शुक्रमा नाम के योग के उपरांत इस दिन धृती नामक शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे जो कि आपके घर के माहौल के लिए और आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। राहु काल का समय दिन सुबह के 8:02 से लेकर सुबह के 9:25 रहेगा। और दोस्तों चंद्रमा जो है इस दिन धनु राशि पर ही संचार करेंगे। तो आए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय आपके नए दोस्त बनेंगे और ये नए दोस्त आपके जीवन में धीरे धीरे महत्वपूर्ण स्थान बना लेंगे। आप इस दौरान आध्यात्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं अथवा धर्म और राजनीति में विशेष रुचि लेंगे। दोस्तों यह समय धार्मिक क्रियाकलापों में आप दिल खोलकर पैसा खर्च करेंगे। वहीं दोस्तों नेगेटिव की अगर बात करें तो ये दिन यात्रा करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि आपको वांछित परिणाम नहीं मिल सकते हैं। दोस्तों आपको काफ़ी अधिक खर्चों का यश में सामना करना पड़ेगा जो दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है। दोस्तों यश में राहु आपको तिकड़मी बनाएगा और आप धन कमाने के लिए शॉर्टकट रास्ते भी अपनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यश में आपको अपने दोस्तों से कुछ मामलों में अच्छा सहयोग मिल सकता है। दोस्तों आज का दिन कई तरह से उपलब्धियों वाला समय हो सकता है। दोस्तों यश में आपकी प्रतिभा को पहचान भी मिल सकती है, लोग आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, आपके साथ काम करना लोग यह समय पसंद करेंगे। किसी भी तरह के विवाद से यश में आप बचें। दोस्तों यश में हालांकि किसी तरह की विवाद की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों अगर यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको अपने क्रिएटिविटी के कारण एक अलग ही पहचान मिल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो उनमें आप तरक्की कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा काम जो कि आपके बॉस को पसंद आ जाए और उनके कारण आपको एक अलग ही पहचान मिले, आप अपने ऑफिस में या फिर अपने कारोबार के क्षेत्र में सबके लीडर बन सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों यह समय यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो विनम्र बने और लोग आपका समर्थन करेंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर यह समय उच्च होगा और इसलिए उच्च शारीरिक अभ्यास वाले खेलों में आप संलग्न होकर इस ऊर्जा को मोड़ने का प्रयास करें। वह दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों जब तक आप किसी विशेष व्यक्ति से मिलते हैं तो दोस्तों आप यह समय सुनिश्चित करें कि आप खुद को प्रतिबद्ध कर सकते हैं। दोस्तों यह समय इन दिनों में आज जो अविवाहितों हैं उनके लिए दोस्तों अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, उनको शादी का अच्छा एक प्रस्ताव आ सकता है
जो कि आप स्वीकार भी करेंगे और रिश्ता आपके लिए परफेक्ट भी होगा। वही दोस्तों यह समय अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। भारी काम करने से यह समय आप सावधान रहें। दोस्तों इन दिनों जोरदार कसरत सत्र के करने के बाद आप आराम करें और कायाकल्प करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों यह आपको अपनी आहार और व्यायाम प्रणाली को जारी करने में मदद करेगा। वह दोस्तों इन दिनों इस दिन के अगर भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग की हम बात करें तो दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और भाग्यशाली अंक रहेगा 5। दोस्तों यश में जनसंपर्क सेवा से जुड़े लोगों को अधिकारी वर्ग की कृपा मिल सकती है। अभिनेताओं को उल्लेखनीय अवसर भी यश में मिल सकते हैं। दोस्तों आत्मबल दृढ़ रह सकता है। दोस्तों यश में आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, इससे दोस्तों ये दिन आपके लिए और भी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों यश में आप स्वभाव से व्यवहारिक हैं परंतु क्रोध भी करते हैं, लेकिन दोस्तों यश में अपने आवेग को आप व्यवहारिकता से नियंत्रण कर सकेंगे। इस तरह से यह बात अच्छी है क्योंकि आपको अपना आवेग टालने के लिए एक भूमिका की आवश्यकता है। इसमें बुजुर्गों का मार्गदर्शन सहायक बनेगा। आज का दिन अधिक अच्छी तरह से बिना तकलीफ से आसानी से आप व्यतीत भी कर सकेंगे। दोस्तों आसान कार्य जिन्हें आप आमतौर पर बड़ी सहजता से पूरा कर सकते हैं वो आज आपका अधिक समय लेंगे। दोस्तों ऐसी स्थिति तब होगी जब आपके पास ऐसे काम होंगे जिन्हें आप जल्दी जल्दी पूरा करने की प्रयास कर सकते हैं। यह समय जल्दी जल्दी कामों को पूरा करने की आवश्यकता भी होगी। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि जब आप दबाव महसूस कर रहे हैं तो दोस्तों यह समय दबाव महसूस किए बिना जिम्मेदारियां उठाना सीख जाएंगे, तो दोस्तों आपकी चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपको थकान महसूस होगी और आप अपने पीर के साथ बात करने में दिलचस्पी नहीं लेंगे। दोस्तों आज आपको अपने पीर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। दोस्तों यश में सहयोग मिलने की उम्मीद हो सकती है। हालांकि गणेश जी को लगता है कि आपको अपने पीर पर ध्यान देना चाहिए और उनके सामने अपनी भावनाओं को भी खुले तौर पर व्यक्त करना चाहिए ताकि दोस्तों वे आपकी भावनाओं को समझ सके। दोस्तों यश में आज आप अधिक व्यवहारिक होंगे और आप चीज़ें और अपने आसपास के लोगों के बारे में गहराई से सोचेंगे और दोस्तों इससे आपको काफ़ी अच्छा सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। दोस्तों इसके अलावा आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखेंगे और परोपकार के काम में करने से यश में आप बचेंगे। वहीं दोस्तों यश में गणेश जी को लगता है कि आपके सहयोगी रवैये और तार्किक कौशल को ऑफिस में स्वीकारा भी जाएगा। हालांकि आपको थकान महसूस होने की संभावना है क्योंकि दोस्तों ये दिन आप पर अधिक वर्कलोड रहने के संकेत दे रहा है। वहीं दोस्तों व्यक्तिगत मोर्चे पर यश में आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। वहीं दोस्तों आज के दिन आप फ्रोजन या फिर अनहेल्दी खाने से बचने की कोशिश करें क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। दोस्तों आज के दिन आपका ऊर्जा का स्तर जो है ऊँचा रहेगा। दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर की पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में बिल्व का पेड़ लगाएं या दोस्तों और उसे जल दें। साथ ही शाम के समय इसके नीचे घी का दीपक भी जलाएं। इसके उपरांत दोस्तों घर की उत्तर पूर्व दिशा में शिव परिवार की तस्वीर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है, तो दोस्तों इन्हें भी आप यश में करें। घर के कलेश दूर करने के लिए भगवान शिव, माँ पार्वती, बेटे गणेश और कार्तिकेय का तस्वीर भी यश में लगाएं। इससे दोस्तों घर के बच्चे भी आज्ञाकारी होते हैं। यश में दोस्तों इन उपायों को आप यश में जरूर अपनाएं, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।